जय श्रीमन नारायण मित्रों, महर्षि पाराशर वेद पाराशर होरा शास्त्रम के 20वें अध्याय में आयुर्भाव फलाध्याय लिखा हुआ है, यानी कि 8वें भाव से संबंधित शुभाशुभ फल के विषय में वर्णन किया हुआ है कुल 15 श्लोकों में। तो आज के पहले हमने 1, 2 एवं 3 श्लोक का वर्णन कर दिया है, 3 श्लोकों का वर्णन कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब पर जाइए और वहाँ जा करके अनेक ऐसे वीडियोज जो शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान से परिपूर्ण है उनको देखिए और ज्योतिष का ज्ञान बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए आज हम 4थे श्लोक को देखते हैं कि महर्षि सब 4थे श्लोक में क्या कहते हैं कि षष्ठे व्यये पिषष्ठेषु व्ययाधीशौ रिपौ व्यये लग्नाष्टमे स्थितौ वापि दीर्घमायुः प्रयच्छति। तो मित्रों, महर्षि पाराशर कहते हैं कि आपकी कुंडली के 6ठे घर का मालिक अगर 6ठे घर में ही बैठा हो या फिर 12वें घर में बैठा हो, अथवा 12वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा हो या 6ठे घर में बैठा हो, या फिर ये दोनों घरों के मालिक लग्न से 8वें घर में बैठे हो, तो यह योग विपरीत राजयोग की श्रेणी में आता है और दीर्घायु योग का निर्माण करता है। और दीर्घायु ही नहीं बल्कि सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन प्रदान करता है लंबी आयु के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपनी कुंडली देखिए और अगर समझ में ना आवे तो आप हमारे YouTube पर आइए, वहां आकर किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने बर्थ डिटेल के साथ में अपना प्रश्न भी लिख करके छोड़ दीजिए। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपके प्रश्न का बिल्कुल निःशुल्क और सटीक उत्तर YouTube पर ही दे देंगे। और अगर आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विवेचन हमसे करवाना चाहते हो तो आप कहीं भी बैठे हो फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लेकर के हमारे साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं, ठीक है। जय श्रीमन्नारायण।